हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेदवारा स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं एक नया एक्सरसाइज, एक नया चैप्टर लेकर, जो क्लास सिक्स में आपको जानने सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने कवर कर लिया, आपने देखा ना कैसे मैंने अच्छे से बारीकी से सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, कवर किया है। ठीक है, जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो आपका है होल नंबर्स। क्वेश्चन अभी फर्स्ट चैप्टर से और भी मिलेंगे, उसका टेंशन नहीं है। बट अब जो आपका स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से आपका होल नंबर्स स्टार्ट होने वाले हैं भाई। होल नंबर्स देखो, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें देख रहे हो, होल नंबर कहने का मतलब क्या है? आप एक फैमिली को होल फैमिली, कंप्लीट फैमिली कब बोलते हो? जब उस फैमिली में सारे के सारे मेंबर्स होते हैं। देखो, इसमें दो बातें पहले जाननी। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर के बारे में जानोगे, और नेचुरल नंबर में बस एक मेंबर उसमें और मिल जाना है, वो होल का होल मतलब कंप्लीट मेंबर वो हो गए पूरे नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो उसी पे देखो बात समझना। सबसे पहले मेरी यदि बात करूं, ये चला जा भाई, उड़कर चला गया। चलो देखो, सबसे पहले आपको जानना है क्या एक नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि इंटीजर्स के बारे में तो आपने जाना। एक नेचुरल नंबर जो आपका होता है वो आखिर होता क्या है? अच्छा, नेचुरल का मतलब क्या बोलते हैं? कोई इसका कोई हैबिट है जो कि बचपन से है, तो वो सारी हैबिट जो आपके बचपन से ही स्टार्ट है, आपके बचपन से ही आपके साथ आती आ रही है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? ये इसका नेचुरल टैलेंट है, ये ऐसा ही करता है ये। मतलब क्या कि जहां से आपने जो चीज को सीखना स्टार्ट किया, जैसे बचपन में आपको सबसे पहले कौन सा नंबर सिखाया जाता था कि बाबू पहले देखो, स्लेट होता था एक ब्लैक कलर का होता था ना, उस पर पहले 1 सिखाया जाता था, तब 2 सिखाया जाता था, तब 3 सिखाया जाता। मतलब कि नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से आप लोग करते हो? 1 से करते हो ना। तो मतलब एनी नंबर विच बिगिंस विद 1 इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। एक बात समझना जरा, इस नेचुरल नंबर के इसका मतलब एक और तरीके इसको क्या बोल सकते हो कि एक नंबर जो शुरुआत कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है, वो भी नेचुरल नंबर होता है। नहीं तो और एक चीज और समझ सकते हो इसको कि भाई जो भी काउंटिंग नंबर्स है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक तरीके से यह भी समझ सकते हो ना कि नेचुरल नंबर मतलब क्या, जितने भी काउंटिंग के नंबर हैं सारे के सारे आपके क्या हैं? नेचुरल नंबर्स ही तो है ना। नेचुरल और होल में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है क्या कि होल नंबर में आपके 0 इंक्लूडेड होते हैं, और नेचुरल नंबर में आपके 0 क्या होते हैं? एक्सक्लूडेड होते हैं। मतलब कि समझो इस बात को, देखो जैसे एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, एक नंबर लाइन पे ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको नंबर लाइन पे ही समझना है कि एक्चुअल में हम कैसे दिखाते हैं होल नंबर। सबसे पहले मैं एक लाइन लेता हूं, ठीक है, इस लाइन में वहां यहां पर क्या दोगे आप? 1, फिर यहां 2, फिर यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10, यहां 11, मतलब इसी तरीके से ये आगे जाएगा। एरो का मतलब क्या हुआ कि ये कभी खत्म नहीं हुआ, भले ही स्टार्ट यहां से हुआ है, 1 से ये क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, 1 से ये बिगिन हुआ है, लेकिन कहां तक जाएगा, क्या ये एरो कहां तक जाएगा कुछ पता है क्या? नहीं पता है ना। 11 तक तो मैंने इसको स्टॉप ही लगाया ना, लेकिन इसका जो मंजिल है 11 पे रुकने वाला नहीं है। इसकी मंजिल क्या है? डेस्टिनेशन जो बहुत दूर तक जाने वाली है। मतलब यहां से एक बात आपका क्लियर हो गया कि भाई जब भी मुझे स्मॉलेस्ट, जब भी मुझे पूछा जाएगा कि बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप फटाक से जवाब दोगे कि सर जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो आपका कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यही चीज मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि बाबू बताओ
कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तब आप क्या बोलोगे, यहां पर आप क्या बोलोगे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि आप सबसे बड़ा नेचुरल नंबर किसको बोल सकते हैं, ये बताओ, ये लाइन कभी खत्म होगा क्या? मतलब कि आप एक बात समझो, प्रेडिसेसर और सक्सेसर जानते हो, फोर में पढ़े होगे आपने, प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर मतलब क्या, ट्रीट करना, मतलब माइनस की ओर जाना, माइनस वो भी कितना, वन का। और सक्सेसर मतलब होता है कि आप प्लस वन की ओर जा रहे हो। मतलब यहां पर ये कि हर नंबर का, ईच एंड एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर। हर नंबर का अपना एक सक्सेसर होता है और अपना एक प्रेडिसेसर होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। यहां पर एक बात समझना कि जैसे आपने कोई भी नंबर लिया, एक करोड़ भी लिया है आपने, कितना लिया है, एक करोड़, तो एक करोड़ का भी तो सक्सेसर होता है ना, एक करोड़ वन, और एक करोड़ का प्रेडिसेसर भी तो होता है ना, 99,99,999 होता है कि नहीं होता है, मतलब वो भी आप बड़ा नहीं बोल सकते हो, मतलब इसको आप इनफाइनाइट बोल सकते हो। इनफाइनाइट मतलब क्या, अनिश्चित, इसका हिंदी क्या बोलते हैं हम, अनिश्चित, मतलब जिसका कोई निश्चित ही ना हो, कोई सर्टेन नहीं हो कि यही मेरा लार्जेस्ट होने वाला है, तो इसको आप क्या बोल देते हो, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, अनिश्चित होता है वो, इनडेफिनिट, ठीक है, इनफाइनाइट। अब चलो ये बात समझ में आ गई। अब नेचुरल नंबर के बाद समझने के बाद आपको बस इसी का एक पार्ट होता है, आप इस चैप्टर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन होल नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ कि जीरो का भी तो अपना एक महत्व है ना, अपना एक इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जीरो नहीं तो मान लो कि आपके नंबर्स में यदि जीरो नहीं है, मतलब समझ रहे हो, जीरो आगे लग रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं, पीछे लग रहे हैं तो वैल्यू ही वैल्यू है, इसलिए जीरो को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए इसको एक अलग से नाम भी दे दिया गया है, होल नंबर। क्या दे दिया गया है, होल नंबर। तो दूसरी बात, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, अब पूरा का पूरा एक फैमिली में मान लो कि दादाजी हैं, दादी जी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है और बहन है, कंप्लीट फैमिली, मतलब एक समझ लो कि ऐसे ही फैमिली होनी चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन समझ लो कि कोई एक मेंबर अभी, मतलब नेचुरल कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसे मेंबर हैं जो मिसिंग हैं। मिसिंग है मतलब मान लो कि दादाजी कहीं गए हुए हैं बाजार, तो वहाँ पर आप जब बोलोगे तो ये मेरी नेचुरल फैमिली है। लेकिन जैसे ही होल फैमिली की यदि बात करेंगे, तो होल फैमिली कहने का मतलब है कि आपके दादा दादी नाना, सॉरी दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन सब लोग एक साथ एक फ्रेम में आ चुके, तो उसको आप क्या बोलोगे, होल नंबर। तो बस वही आपका नेचुरल नंबर मतलब क्या, वन से स्टार्ट होने वाला, मतलब एक मेंबर इसमें मिसिंग है, कौन मिसिंग है, जीरो। जैसे ही जीरो को इंक्लूड करोगे तो वो आपका क्या दे देगा, होल नंबर दे देगा, ठीक है। तो चलो यही स्टार्ट मैं करने वाला हूँ, ऑल द नंबर्स, All the numbers which, all the number which begins with zero or all the number which begins with zero or all natural number, इसको दूसरे लैंग्वेज में इस तरीके से बोल सकते हो ना कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब होल नंबर किसे बोलेंगे हम, सारे के सारे नंबर्स जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। यदि हम नंबर्स की नंबर लाइन पे बात करूं इसकी, तो देखो एक नंबर लाइन मैंने लिया है और इस नंबर लाइन पे आप क्या दिखा रहे हो, ये आपका जीरो है, ये आपका वन है, ये आपका टू है, ये आपका थ्री है, ये आपका फोर है, ये आपका फाइव है, ये आपका सिक्स है, ये आपका सेवन है, ये आपका एट है, ये आपका नाइन है, चलो ये भी मैं बढ़ा देता हूँ, ये आपका टेन है। अब ये आगे जा भी सकता है, इसका कोई लिमिट है क्या, अरे कितना भी आगे बढ़ा सकते हो ना, इसका कोई लिमिटेशंस है नहीं, है ना। तो मतलब आप ये समझो कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स ही है। नेचुरल नंबर तो थे ही,
लेकिन जैसे ही जीरो को इंक्लूड कर दिए मतलब कि सारे के सारे नंबर आपके क्या हो गए, होल नंबर्स के में आ गए। अब यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस कि बाबू बताओ, यहां से समझ लो कि कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताओ बाबू स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, आप क्या बोलोगे? फटाक से आपका जवाब क्या होगा कि सर जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और यदि हम लार्जेस्ट होल नंबर की बात करूं तो फिर से वही बात आ जाती है ना कि हर नंबर का जब अपना एक प्रेडिसेसर और अपना एक सक्सेसर होता है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही तो होगा ना, मतलब क्या अनिश्चित होने वाला ही। और इसको सिंबल किसी से डिनोट करते हैं, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंबल इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आपसे देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको जानना चाहिए, और जानना क्या चाहिए, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है ये। जैसे आपसे पूछा जाए कि बाबू, यहां से समझना थोड़ा सा बात को समझना, आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, बताओ क्या बोलोगे आप? क्योंकि अब मैं सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर पे ही बात कर रहा हूं, उसके अलावा मेरी बातें किसी से नहीं होगी, बस यही दोनों आपके इंक्लूडेड होंगे, मतलब जीरो से लेकर इनडिफिनिट तक जितने भी नंबर हैं, इनफाइनाइट तक, वहीं तक मेरी बातें होने वाली है, और इसी में सारे कुछ इंक्लूडेड है। उसके कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे डिविजन करते हैं, कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सब कुछ इसी में आपको जाननी है। तो लंबी थोड़ी चार क्लासेज में भी 5 या 6 क्लासेज चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखोगे। जैसे देखो मैंने क्या आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट यदि मैं बोलूँ, तो आप सिंपल सा समझो कि डिजिट मतलब क्या होता है जो सिंगल फॉर्म में है, और नंबर मतलब क्या जो मल्टी फॉर्म में होते हैं, सिंगल यूनिफॉर्म में ही होंगे और मल्टी फॉर्म में भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, नंबर। यहाँ पर डिजिट की सिर्फ बात हो रही है ना, तो समझो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट यदि मैं बोल रहा हूँ तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। अब बताओ 9 के बाद जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो मतलब क्या ये 2 डिजिट का आ रहा है, अरे 9 के बाद जैसे ही ऊपर गए 1 और 0 मतलब 2 डिजिट का, 0 भी तो आपका एक डिजिट ही है ना, तो मतलब क्या कि यहां पर 2 डिजिट का आ रहा है, तो ये तो कभी होगा नहीं, तो इसके पहले वाला जो है वही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा 1 डिजिट का। बात समझ में आ गई, मतलब आप बोल सकते हो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 9, क्लियर है, ठीक है। चलो देखो अब यही चीज मैं ऐसे पूछूं कि भाई बताओ स्मॉलेस्ट, अब देखना बात यहीं से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है समझने में कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट की यदि मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट तो ये क्या होगा जरा बताना तो। अच्छा क्या स्मॉलेस्ट नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, हमने क्या बोला कि नंबर जो आपका बिगिंस होता है वो किससे होता है आपका, अरे 0 का कोई वैल्यू है, 0 समझ लो कि ना तो पॉजिटिव वैल्यू है ना निगेटिव वैल्यू, वो 0 है मतलब 0 है, नल है वो। किसी भी मतलब वायर पे यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो बोलते हैं अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। कभी न्यूट्रल चार्ज को कोई चार्ज बोलते हो आप? अरे न्यूट्रल मतलब 0 चार्ज वाले को कोई चार्ज में आप गिनती करते हो ना, तो पॉजिटिव में उसको गिनती करोगे और ना निगेटिव में गिनती करोगे, तो करोगे क्या उसको, खत्म करोगे उस, मतलब कि वहां पर ये समझो कि 0 ना तो आपका पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है ना निगेटिव वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ पर समझो कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट क्या होगा, अरे आपका काउंटिंग नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो फिलहाल बात तो वही है कि नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट 1 हो जाएगा। चलो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे यदि आपसे बात करूं, देखो देखते जाना समझते जाना, अभी लंबे चलने वाली है ये, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जरा सोचना तो, लार्जेस्ट मतलब क्या, अच्छा 2 डिजिट का नहीं, देखो समझो पहले यहां पर बात को, जैसे 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा, सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का, मतलब सोचो कि सर 90 होता है, 91 होता है, 92 होता है,
93 होता है, 94 होता है, 95, 96, 97, 98, 99, फिर उसके बाद 100 आ जाता है। मतलब ये कि जैसे ही 100 आया तो हम को इस मुझे इस बात को समझना चाहिए कि 100 आने का मतलब है कि ये तीन डिजिट वाले हो गए। कितने डिजिट वाले हो गए? तीन डिजिट वाले। लेकिन मुझे क्या पूछा गया है? दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 100 के पहले ही वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका? दो डिजिट वाला सबसे छोटा, सबसे बड़ा नंबर होने वाला है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा नंबर होने वाला है दो डिजिट का, वो कितना होने वाला है? 99। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से आपसे बोला जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर, बस समझोगे तभी देख पाओगे, क्योंकि ये चीज आपने बचपन में भी देखा है। अब चैप्टर में है, सिलेबस में है, तब तो ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे, तो उन्हीं के लिए ये सारी क्वेश्चंस हैं। चलो देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट। हमने ये जाना था कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट है वो वन है, ये तो मैंने बताया भी था। अब जो है यहां से देखिए, 9 के बाद जैसे ही आप आगे गए ना, तो आपको एक दो डिजिट का नंबर स्टार्टिंग में मिलता है, क्या? 10। अब 10 से आगे जो भी करोगे वो आपका 10 से ज्यादा ही तो होने वाला है ना। मतलब जो मैक्सिमम, मतलब मिनिमम जो आपका टू डिजिट का नंबर होने वाला है वो क्या होने वाला है आपका? 10 ही तो होने वाला है। मतलब ये आपका 10 हो गया। समझ रही है? समझ रहे हो सारे लोग? समझ रहे हो ना? तो यही चीज आपको समझना। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि बताओ बाबू, तीन डिजिट का क्या होगा, चार डिजिट का क्या होगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, पांच डिजिट का क्या होगा, सिक्स डिजिट का क्या होगा, सेवन डिजिट का क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन। देखो देखो, अब भी तीन तक बताता हूँ, फिर एक चार्ट बना दूंगा मैं, ठीक है? चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपसे पूछा जाए कि बाबू बताओ एक अलग सा लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट। जरा सोचकर मुझे बताना कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट क्या होने वाला है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट क्या होने वाला है, बताओ अब आप। फाइव डिजिट मतलब क्या? पांच डिजिट तो रहने वाले हैं इसमें, और इसमें भी पांच डिजिट रहने वाले हैं। चलो देखो, अब यहां पर लार्जेस्ट नंबर की बात करें, अभी आपने देखा ना कि जब एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछा जा रहा था तब ने 19 लिखा था आपने, जब दो डिजिट का आपसे पूछा जा रहा था तब आपने 29 लिखा था, तीन डिजिट का पूछा जाएगा 39 लिखोगे, फोर डिजिट का पूछा जाएगा 49 लिखोगे, उसी तरह से फाइव डिजिट का जब पूछा जाएगा तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 59 लिख दोगे। ये बात क्लियर हो गई? अब फाइव डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? देखो, जब एक डिजिट का रहता था तब 1 लिखे थे मैंने, जब दो डिजिट का है तो 100 लिखा मैंने, तीन डिजिट का 100 लिखा मैंने, जब चार डिजिट का है तब आप 1000 लिखने वाले हो। तो उसी तरीके से पांच डिजिट का, मतलब 1 तो आगे में रहेगा, ये तो फिक्स है, और उसके बाद जब भी स्मॉलेस्ट पूछेगा मतलब उतना आप क्या करोगे? 0 को फुलफिल करोगे। ये बात समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन लेकर देखूं, एक क्वेश्चन फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलो देखो, ये तो आपकी बात हुई ऐसे, बट आपको क्वेश्चन पता है कैसे दिखेगा? कि यूजिंग 2579, एक मिनट, 25731 and 1, ठीक है? राइट द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। बात को समझना, क्योंकि यहीं से यही सारे क्वेश्चंस आपको अभी फिलहाल दिखने वाले हैं। देखो, नंबर्स क्या क्या है आपका? पहले नंबर्स आर क्या क्या है? नंबर्स आर 2, 5, 7, 3 and 1। चलो 1, इसमें बोला क्या जा रहा है आपसे कि इसी का यूज करके, इन्हीं सारे नंबर्स का यूज करके आपको सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर दिखाने हैं, सबसे बड़े नंबर को। तो लार्जेस्ट नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, जरा बताना। तो जो आपका लार्जेस्ट नंबर होने वाला है वो एक्चुअल में क्या होने वाला है? 1,
फिर आपका क्या सबसे छोटा पहले, सॉरी लार्जेस्ट पूछा जा रहा था, पहले सबसे बड़ा कौन है, सेवन है, मैंने सेवन लिखा, फिर क्या फाइव, फिर क्या थ्री, फिर क्या टू, फिर क्या वन, ये बात समझ में आ गई। और इसी चीज को जब स्मॉलेस्ट नंबर में पूछा जाएगा, बताओ बाबू स्मॉलेस्ट नंबर इसका क्या होगा, क्या इसका स्मॉलेस्ट नंबर कितना होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये आपका वन पहले होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फाइव होगा, फिर सेवन होगा, इस तरीके से। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है? मतलब समझो कि जब ऐसे क्वेश्चंस में होते, कभी कभी आपको दे दिया जाएगा कि बताइए सिक्स डिजिट का, मतलब कि बताओ कि फोर डिजिट का कितने नंबर होते हैं ओवरऑल, फोर डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं, तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे, कुछ आइडिया है आपके पास? देखो तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, पहले फिलहाल ये समझो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक दो और लेकर मैं देखता हूँ। देखो फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बाई यूजिंग, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर Find the difference of the largest and smallest number using 0, 2, 7, 3, 9, 6, 1. मतलब क्या कि आपको इन सारे डिजिट्स का यूज करके 0, 2, 7, 3, 9, 6, 1 इनका यूज करके आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं। देखो जरा सबसे पहले नंबर्स क्या क्या हैं वो पहले देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर्स आर, नंबर्स आर क्या क्या हैं आपके, जीरो टू सेवन थ्री नाइन सिक्स वन, ये हैं। अब बताओ जो द लार्जेस्ट नंबर क्या होने वाले हैं, द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, लार्जेस्ट नंबर जो होंगे वो क्या होंगे आपके, सबसे पहले कौन है, नाइन है, फिर कौन सेवन है, फिर कौन सिक्स है, फिर कौन थ्री है, फिर टू, फिर वन, फिर जीरो, हो गया ना, कोई दिक्कत है? चलो फिर देखो इसी चीज को अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका, The smallest number जो होगा वो ही होगा। देखो क्या होने वाला है, क्या पहले आप जीरो लिखोगे, मैंने बताया ना कि जीरो यदि आप दे रहे हो लास्ट में किसी भी फर्स्ट, आप जीरो लिखोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा इक्वेशन, क्योंकि कभी भी जीरो आपका सबसे छोटा नंबर नहीं होता है। जीरो दे देखो, समझ लो आप वन लिख रहे हो और आप जीरो वन लिख रहे हो, क्या दोनों में कुछ फर्क है, ये तो वन ही डिजिट का है ना, मतलब यहां पर वही हुआ कि सबसे पहले आप कोई नंबर लिखते हो तो जीरो के बाद बताओ सबसे छोटा कौन आ रहा है, वन आ रहा है, तब फिर आप जीरो लिख सकते हो, फिर आप क्या टू थ्री सिक्स सेवन नाइन दोनों का क्या बोला जा रहा है, देन डिफरेंस पूछा जा रहा है, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आप डायरेक्ट माइनस कर दो, टेन में से नाइन जाएगा वन, जीरो में से सेवन जाएगा तो कितना थ्री, और ये 11 में से 6 जाएगा 5, 12 में से 3 जाएगा 9, ये आपका 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये आपका 7 ही रहेगा, ये आपका 8 ही रहेगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, देख लेना माइनस सही किया या नहीं किया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो बात सिंपल सी है कि आपने जो अभी जाना है वो अभी बस समझो कि स्टार्टिंग मैंने किया है कि होल नंबर जो आपका चैप्टर है उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसकी एक छोटी सी बस आपको झलक मैंने दिखाया है। आगे की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी जो आपको जाननी है होल नंबर्स में, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कशन होगी। बिल्कुल बिंदास रहो और पढ़ाई मन से करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन।